बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने YouTube चैनल फोर्थ एम्पायर पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका के मुबाइन पहला टेस्ट मैच गाल में खेला जा रहा है, जिसका आज था दूसरा दिन। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की जानिब बढ़ें, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आप तक पहुँच सकें। पाकिस्तान श्रीलंका के मुबाइन होने वाले पहले टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन था। पाकिस्तान की टीम ने अपने कल के स्कोर 24 रन दो खिलाड़ी आउट से अपनी इनिंग्स दोबारा शुरू की, तो पाकिस्तान की टीम शुरू ही से मुश्किल में घिर गई। असर अली कल के स्कोर में बगैर कोई स्कोर का इजाफा किया आउट हुए। इसके अलावा आगा सलमान भी जल्दी आउट हुए। मोहम्मद रसूल ने 19 रन की इनिंग्स लाजमी खेली, मगर वो कोई बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। यासर शाह ने 18 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन श्रीलंका स्पिनर्स के सामने बिल्कुल रेत की दीवार साबित हो रही थी, मगर दूसरी साइड पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम डटे हुए थे। मोहम्मद नवाज की कोई लंबी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। यासर शाह ने अलबत्ता थोड़ी मसाहमत की और उन्होंने 18 रन बनाए, मगर वो भी लंबी इनिंग्स ना खेल सके। हसन अली ने जहराना तर्ज की इनिंग्स खेलने की कोशिश की, उन्होंने 17 रन लाजमी बनाए, मगर दूसरे एंड पर जब बाबर आजम मौजूद थे तो हसन अली की इस तरह की इनिंग्स बिल्कुल समझ से बाला था। आखिरी विकेट के लिए पाकिस्तान के दोनों बैटर्स ने 70 रन जोड़े। बाबर आजम ने आज एक दफ़ा फिर साबित किया कि वो टेस्ट मैच के भी एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उन्होंने 119 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जब सब पाकिस्तानी बैटर लंकन स्पिनर्स के सामने मुश्किल का शिकार थे, तो बाबर आजम ने एक इंतहाई अहम और ज़बरदस्त और दिलकश किस्म की इनिंग्स खेली। बाबर आजम का साथ भरपूर साथ दिया नसीम शाह ने। नसीम शाह की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। नसीम शाह ने 5 स्कोर बनाए और वो नॉट आउट रहे, मगर उन्होंने बाबर गेंदों का सामना किया। नसीम शाह और बाबर आजम के दरमियान आखिरी विकेट के लिए 70 रन की पार्टनरशिप हुई। एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो जल्द आउट हो जाएगी और श्रीलंका की टीम एक बड़ी लीड हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, मगर बाबर आजम और नसीम शाह की 70 रन की पार्टनरशिप की वजह से श्रीलंका की टीम सिर्फ 4 रन की लीड हासिल कर सकी। बाबर आजम की इनिंग्स की तारीफ जितनी की जाए वो कम है। बाबर आजम जिस तरह खेले तने तनहा वो पाकिस्तान के स्कोर को वहां तक लेकर गए। अगर दूसरे बैटर्स भी बाबर आजम का थोड़ा बहुत साथ देते तो लाजमी पाकिस्तान एक अच्छा स्कोर कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान को बाबर आजम एक दफा 12 मैच में वापस ले आए हैं। श्रीलंका की टीम ने आज जब खेल खत्म हुआ तो 36 रन बनाए थे, उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ था। इस तरह श्रीलंका की टीम को मजमू तौर पर 40 रन की लीड हासिल है। अब देखना ये होगा कि कल पहले सेशन में पाकिस्तानी गेंदबाज कितने खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब होते हैं। अगर पहले सेशन में पाकिस्तानी गेंदबाज इब्तदाई विकटें हासिल करने में कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान की इस मैच में गिरफ्त जो है वो मजबूत हो जाएगी। पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन इस मैच के लिए जो की गई उस पर काफ़ी सवालिया निशान है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम आगे जाकर जिक्र करेंगे, मगर आज के हीरो बाबर आजम, वेल डन बाबर आजम, आपने वो काम किया कि जो अब दूसरे बैटर्स जो है वो ना कर सके। आज आपने फिर प्रूव किया कि यू आर द नंबर 1।